टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ चैप्टर 12। आज हम लोग जो है चैप्टर 12 जो है शुरू करेंगे हिस्ट्री में, जिसमें है चैप्टर का नाम है आपका कल्चर एंड साइंस इन एंशिएंट इंडिया। कल्चर एंड साइंस इन एंशिएंट इंडिया यानी कल्चर का मतलब होता है संस्कृति और साइंस का मतलब जानते हैं विज्ञान, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन और भारत यानी प्राचीन भारत में जो संस्कृति और जो विज्ञान जो थी उसके बारे में हम लोग आज जो है स्टडी करेंगे। तो द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी एंड लिटरेचर हैव इट्स रूट्स इन वेदास। आफ्टर वेदास मेनी लिटरेचर अरोज, द उपनिषद्स, द रामायण, द महाभारत, द गीता एंड द पुराणास एक्सेट्रा। क्या होता है कि प्राचीन काल में भारत जो है में क्या है समाज और संस्कृति जो है प्राचीन काल से जो है देखा गया है और इसका रूट जो है ये क्या है सारा जो है क्या है वेदाज में है। क्या है वेदाज यानी इसका रूट जो है इसका जड़ जो है वो क्या है वेदाज है। अब वेदाज के अंतर्गत जो है आफ्टर वेदाज मेनी लिटरेचर एरोज। अब जो है वेदाज के बाद कई एक जो है साहित्य जो है का उदय हुआ, जिस प्रकार से जैसे कि हम देख सकते हैं द उपनिषद्स, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द पुराण और भी बहुत से ऐसे हैं जो साहित्य हैं जिनका जो है वेदास के बाद इन सभी लिटरेचर का जो है उदय हुआ हमारे भारत में। नाम अब है लिटरेचर। लिटरेचर है क्या? लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। तो द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ इंडियन लिटरेचर वेयर ऑर्ली ट्रांसमिटेड यानी प्राचीन वर्क जो होता था वो साहित्य का वे सारे कार्य जो है क्या होते थे ऑर्ली ट्रांसमिटेड किया जाता था यानी सारा काम जो है वो मौखिक ऑर्ली होता था। नाउ द फोर वेदास। अब जो है क्या कितने वेद हैं तो कहा गया है कि वेद जो हम लोग यहां है चार प्रकार के वेद हैं जिसमें पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेदास, सामवेदास एंड अथर्ववेदास। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये चार प्रकार के वेद जो है हमारे देश में है और जो है इसके बारे में और है बहुत सारे कुछ हैं। दे कंटेन प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेज यानी इन वेदों में साहित्यों में जो है क्या चीज है देवी और देवताओं का जो है प्रशंसा किए गए हैं, उनकी बड़ाई की गई है। नेक्स्ट नंबर टू है बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। अब है बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जो है उसके बारे में क्या है। द बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस वेयर कंपोज्ड इन प्राकृत यानी बुद्धिस्ट और जैन रिलीजियस जो था जो धर्म था ये सारे चीज जो कंपोज किए गए थे इसमें प्राकृत में क्या चीज में प्राकृत में। लेटर ट्रांसलेटेड सम ऑफ दिस इनटू संस्कृत। बाद में जो फिर क्या किया गया देखा गया कि हो सकता है कुछ असुविधा के कारण जो है इसको संस्कृत भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करके किया गया प्राकृत से फिर क्या किया गया आपको संस्कृत में इसको ट्रांसलेट करके लिखा गया। नेक्स्ट है सेक्युलर लिटरेचर यानी धर्म निरपेक्ष साहित्य। अब धर्म निरपेक्ष साहित्य के बारे में क्या है द अर्थशास्त्र, द इंडिका, हर्षचरित्र एंड द पंचतंत्र, द वर्क ऑफ कालिदासा एंड द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स आर द इंपॉर्टेंट सेकुलर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। अब इस काल में इस समय जो क्या था जो सेकुलर लिटरेचर जो थे इस सेकुलर लिटरेचर में बहुत सारे हैं जैसे अर्थशास्त्र हो गया, इंडिका हो गया, हर्षचरित्र हो गया, आपका पंचतंत्र हो गया और कालिदास और जो फॉरेन जो अकाउंट्स का जो ट्रेवलर थे जो यात्रीगण थे उनको वे क्या थे
सेकुलर लिटरेचर के वर्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे गए हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।